हेलो हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि पुराने चालकों से एक्सीडेंट क्यों हो जाता है। जो कि बहुत से चालक ऐसे हैं कि वो 20 साल से 25 साल से ड्राइविंग करते हैं लेकिन एक्सीडेंट हो जाता है। ज़्यादातर एक्सीडेंट जो है हाईवे पे होते हैं, क्योंकि सिटी के अंदर तो एक्सीडेंट होते नहीं हैं। तो ये क्यों हो जाते हैं, जो कि बड़े एक्सपीरियंस वाले बंदे होते हैं लेकिन फिर भी उनका एक्सीडेंट हो जाता है। देखते हैं आप लोग, ट्रक खड़ी रहती है, ट्रक के अंदर कोई घुसा देता है बस, या जो है ट्रक के अंदर कोई भी गाड़ी चली जाती है। तो ये क्यों होता है। सबसे पहली चीज़ तो दोस्तों, जब भी आप कार को चला रहे हैं, कार को ओवर स्पीडिंग ना करें। क्योंकि अगर आप ओवर स्पीडिंग करेंगे तो ये जो कार होती है, जितना आप स्पीड देते हैं उतनी कार आपकी हल्की होती जाती है। क्योंकि जब आप स्पीड में चला रहे हैं तो जितनी स्पीड है उतनी तेज़ से हवा भी जो है आप पार करते हैं, हवा भी उतनी तेज़ चलती है। तो इससे क्या होगा कि कार आपकी हल्की होती जाती है और इससे कार टकराने की संभावना अधिक हो जाती है। फिर आपका दिमाग काम नहीं करता है वहाँ पे कि हम क्या करें। या बहुत से चालक क्या काम करते हैं, वो कार को कंट्रोल करने के लिए क्लच का यूज कर लेते हैं। तो ये जो क्लच का यूज आप करते हैं, तो जब आप ब्रेक लगाएंगे भी, कार में अगर ABS भी है तो भी वो वर्क नहीं करेगा, गाड़ी स्किड करके लड़ जाती है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप कार चला रहे हैं या बस चला रहे हैं या ट्रक चला रहे हैं, अक्सर गलती यहाँ पे ये हो जाती है कि आप लोग ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं और कार जाके टकरा जाती है या आप लोग लड़ जाते हैं, या आप दबाना चाहते हैं ब्रेक और दब जाता है एक्सीलेटर। तो ये क्यों होता है, ये आपसे हड़बड़ाहट की वजह से होता है कि अब हम कैसे कंट्रोल करें। तो आप दबाना चाहते हैं ब्रेक और दब जाता है एक्सीलेटर, आप ट्रक के अंदर कार को लेकर चले जाते हैं और दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी आप कार चला रहे हो, ट्रक चला रहे हो, बस चला रहे हो, तो ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल ना करें, ओवर ड्राइव ना करें, शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं, और गाड़ी चलाते समय कोई भी चीज़ें ऐसी दिमाग में ना सोचें कि आपको वो बार बार परेशान करें। अगर वो बार बार परेशान करेगा तो आपका ध्यान रोड से हटेगा और फिर दुर्घटना हो जाती है। तो ये जो पुराने चालकों से होती है दुर्घटनाएं, ये यही कारण है कि वो ओवर ड्राइव करते हैं, फ़ोन पर बात करते रहते हैं, शराब पी के गाड़ी चलाते हैं। बहुत से चालक ऐसे हैं कि वो बिना शराब के गाड़ी ही नहीं चला पाते हैं। तो इन सब चीज़ों का आप लोग ध्यान रखें। और ये जो दबता है ब्रेक की जगह एक्सीलेटर, या आप लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, केवल यही रीज़न है कि आप लोग गाड़ी को ओवर कॉन्फिडेंस में चलाते हैं। आपकी कैपेसिटी है 80 में कंट्रोल करने की, तो आप लोग 100-120 भगाते हैं, जो कि इसमें परिवार के भी लोग बैठे रहते हैं तो भी आप लोग 100-120 पे चलते हैं। तो ये आप गलती ना करें, थोड़ा आपको टाइम लगेगा पहुँचने में कहीं मंजिल पर। तो आपको स्लो चलानी चाहिए कार को और स्लो तरीके से चलें हाईवे पे, और ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल ना करें ड्राइव, और शराब पी कर ना चलाएं, फ़ोन पे बात ना करें। इन सब चीज़ों का आप लोग ध्यान रखें। और पुराने चालक ज़्यादातर एक्सीडेंट ऐसे ही करते हैं कि उनके पास एक्सपीरियंस होता है, वो अपने एक्सपीरियंस पे रहते हैं कि हम भाई गाड़ी कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन जब कोई सामने आता है तो आप लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और दुर्घटना हो जाती है। और हमेशा जब भी आप ओवरटेक करें हाईवे पे, तो रियर व्यू मिरर देखें, साइड मिरर देखें, और ओवरटेक करते समय इंडिकेटर का यूज करें, तब आप ओवरटेक करें। और कभी भी मोड़ पर ओवरटेक बिल्कुल ना करें, और जहाँ पे मोड़ है वहाँ पे स्लो कार को चलाएं, स्लो रखें। तो अक्सर लोग गलतियाँ यही करते हैं पुराने चालक, कि वो स्पीड में गाड़ी को चलाते हैं, उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस होता है कि हमसे कभी दुर्घटना नहीं होगी। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि गाड़ी में अभी तक कोई महान नहीं बन पाया है कि हमसे कार नहीं लड़ेगी। तो आप सभी चालक इतनी चीज़ें हमेशा ध्यान में रखें कि ओवर ड्राइव बिल्कुल ना करें, शराब पी कर गाड़ी ना चलाएँ, मोबाइल फ़ोन पर बात ना करें, और दिमाग में कोई भी चीज़ ऐसी ना लाएं कि वो बार बार आपको परेशान करे और आपका ध्यान रोड से हट जाए। क्योंकि जब आपका ध्यान रोड से हटेगा तभी दुर्घटनाएं होती हैं पुराने चालकों से। तो ये आप लोग ध्यान रखें और ओवर स्पीडिंग बिल्कुल ना करें। तो फ्रेंड, अगर आप सभी को मेरा यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आप लोगों को और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।